ये कहानी है एरन रोल्स्टन की। 27 अक्टूबर 1975 को जन्मा ये शख्स पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर था, लेकिन पता नहीं कहां से इसके सर पर माउंटेनियरिंग का भूत सवार हो गया। अब भाई साहब ने इस शो को पूरा करने के लिए अपनी जॉब से भी रिजाइन दे दिया और निकल पड़े माउंटेनियरिंग की दुनिया का चैंपियन बनने। दरअसल रोल्स्टन का एक सपना था कि उसे कोलोराडो की उन सभी पर्वत चोटियों पर चढ़ना है जिनकी हाइट कम से कम 14,000 फीट है। रोल्स्टन ऐसा करने वाला पहला इंसान बनना चाहता था। आपको बता दें कि इस लिस्ट में टोटल 53 पर्वत चोटियां हैं, इसलिए इस गोल को अचीव करने के लिए उसे कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत थी। सो प्रैक्टिस करते करते एक दिन रोल्स्टन ने कैन्यनिंग करने की सोची और इसके लिए ब्लू जोन कैन्यन को चुना। ब्लू जोन कैन्यन एक स्लोट कैन्यन है जो कैन्यन लैंड्स नेशनल पार्क में स्थित है। दरअसल स्लोट कैन्यन ऐसी सकरी घाटियां होती है जो चट्टानों के बीच पानी के लगातार प्रवाह के कारण बनती है। इनकी सबसे खास बात यह होती है कि इनकी गहराई चौड़ाई के मुकाबले काफी अधिक होती है। 26 अप्रैल 2003 को सुबह रोल्स्टन उस सकरी घाटी से करीब 24 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल को रोककर वहां जाने के लिए पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि आगे साइकिल को ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फाइनली कुछ टाइम बाद रोल्स्टन उस सकरी घाटी के पास पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो उस सकरी घाटी में नीचे उतरने का प्रयास करने लगा तो एक भारी पत्थर फिसल गया। लेकिन पत्थर के फिसलने की वजह से रोल्स्टन भी उसी पत्थर के साथ फिसल कर नीचे आ गया। करीब एक सेकंड बाद ही रोल्स्टन को एहसास हो गया कि वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि उसका दाहिना हाथ उस 360 किलोग्राम वजनी पत्थर के नीचे दब चुका था और वो पत्थर घाटी की दोनों दीवारों के बीच। यहाँ एक और समस्या ये थी कि रोल्स्टन ने अपनी स्ट्रिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, और ना ही उसके पास उस समय ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट या फोन था जिसकी मदद से वो किसी की हेल्प ले सके। उसकी किस्मत इस हद तक खराब थी कि जिस घाटी में वो फंसा हुआ था वो ऊपर से बेहद सक्रिय थी। ऐसे में अगर गलती से भी कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां से गुजरता तो उसे हेलीकॉप्टर से देख पाना नामुमकिन था। जिस समय रोल्स्टन इस मुसीबत में फंसा था उस समय उसके पास पीने के लिए केवल 350 मिलीलीटर पानी बचा हुआ था और खाने के नाम पर केवल 2 बेरीटोस। करीब 3 दिनों तक रोल्स्टन इसी घाटी में फंसा रहा इस उम्मीद में कि कोई बचाव दल आएगा और उसे बचा ले जाएगा। इस बीच उसने पत्थर को हटाने की हर संभव कोशिश भी की, लेकिन हर बार उसे केवल असफलता ही मिली। हालात ये थे कि पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसे जिंदा रहने के लिए अपना यूरिन पीना पड़ रहा था। उसका शरीर डिहाइड्रेशन का सामना कर रहा था। लगातार 3 दिनों तक हाथ में ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से अब उसका हाथ भी डीकम्पोज होना शुरू हो गया। 5वें दिन जब पानी पूरी तरह खत्म हो गया तथा उसकी बॉडी भी पूरी तरह डिहाइड्रेट हो चुकी थी, तब थकान के कारण उसे नींद आ गई, जहां उसने एक सपना देखा कि वो भविष्य में अपने बच्चे के साथ खेल रहा है लेकिन उसका दाहिना हाथ कटा हुआ है। जब सुबह रोल्स्टन की आंखें खुली तो उसने फैसला लिया कि वो इस सपने को सच करके दिखाएगा, लेकिन अपने हाथ को काटने के लिए उसके पास सिर्फ एक मल्टीटूल था जिसमें 2 इंच का नाइफ, पाइलर्स और कुछ अन्य जरूरी चीजें एक ही जगह होती है। ये मल्टीटूल उसे एक फ्लैशलाइट खरीदने पर मुफ्त मिला था, यानी ऐसी क्वालिटी के नाइफ के साथ हाथ और स्पेशली हड्डियों को काटना इम्पोसिबल था। इसलिए रोल्स्टन ने सबसे पहले टॉर्क फोर्स का यूज करके यानी अपने हाथ को रोटेट करके रेडियस और अल्ना बोन्स को ब्रेक कर लिया और उसके बाद उस जगह स्किन को काटना शुरू कर दिया। 2 इंच के उस पॉकेट नाइफ की हेल्प से रोल्स्टन ने सबसे पहले अपने हाथ की सभी मसल्स और स्किन को कट किया और सबसे अंत में पाइलर्स की हेल्प से टेंडन्स और नर्व्स को कट किया। आपको बता दें कि टेंडन्स और नर्व्स को बिना एनेस्थिया, मेडिकल हेल्प और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के कट करना हद से ज्यादा पेनफुल होता है। जब कभी हमारी कोहनी किसी चीज से टकराती है तो जो करंट हमें फील होता है वो करंट इन्हीं नर्व्स की वजह से फील होता है। तो सोचिए जब आप अपने हाथ की सभी नर्व्स और टेंडन्स को डायरेक्टली कट करेंगे तो वो फीलिंग कैसी होगी। वेल, इस पूरी प्रोसेस में 1 घंटा लगा। इस दौरान रोल्स्टन के टोटल ब्लड वॉल्यूम का 25% ब्लड बह गया, लेकिन फाइनली 1 घंटे बाद रोल्स्टन अपने आप को उस भारी भरकम पत्थर के चंगुल से आजाद करा पाने में कामयाब रहे। लेकिन अभी उन्हें 24 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय करना था, इसलिए एक हाथ की मदद से ही उस घाटी को पार कर रोल्स्टन ऊपर आए और करीब 9.7 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। सौभाग्यवश 9.7 किलोमीटर के बाद एक फैमिली ने उन्हें देख लिया जो नीदरलैंड से वहां घूमने के लिए आई हुई थी। उस फैमिली ने रोल्स्टन को पानी और खाना दिया, साथ ही लोकल अथॉरिटीज को उनकी हालात के बारे में इन्फॉर्म किया। लोकल अथॉरिटीज ने रेस्क्यू टीम के साथ कॉन्टैक्ट किया जो पिछले कुछ दिनों से उन्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि घर वापस ना लौटने की वजह से रोल्स्टन की फैमिली ने एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। फाइनली कुछ मिनटों बाद एक हेलीकॉप्टर और डॉक्टर्स की टीम रोल्स्टन को पिक करने वहां पहुंच गई और फिर उन्हें सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस घटना के बाद रोल्स्टन के कटे हुए हाथ को उस घाटी से वापस लाया गया और उसका अंतिम संस्कार कर उसकी राख रोल्स्टन को सौंप दी गई। कुछ महीनों बाद जब रोल्स्टन पूरी तरह रिकवर हो गए तो उन्होंने एक बार फिर माउंटेनियरिंग की शुरुआत की और फाइनली सभी कोलोराडो 49ers पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। उनकी लाइफ के इन 127 टफेस्ट घंटों के ऊपर एक हॉलीवुड मूवी भी बनाई गई है जिसमें उनके स्ट्रगल को बखूबी दर्शाया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले शनिवार को शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।